आला हजरत फरमानन जी 15,000 साल का सफर है, बाल नालों ज्यादा बारीक है, ते जुत्ती भी कोई नहीं पैरों के अंदर, ते जाना भी है वो बस इंजन जिहड़ा इंजन हुंदा जाएगा उत्थे उत्थे ते जनाब सेकंड की गल है, ते आला हजरत फरमानन सेकंड च असी पहुंचांगे। दूसरी तरफ इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी आस्तीन ऊपर करके, किसी की आस्तीन रसूलुल्लाह जैसी नहीं है, तो हुजूर अपनी मुबारक आस्तीन ऊपर चढ़ाकर और अपना मुबारक दामन बांधे हुए इस तरह का, किसी के कपड़े रसूलुल्लाह जैसे नहीं है, किसी का इशारा रसूलुल्लाह जैसा नहीं है, दामन बांधे हुए लंगोटा कस के और अपनी बाजू ऊपर चढ़ाकर कि मेरा गुलाम आ रहा है, गिरने नहीं देना। और ये जगह बुखारी शरीफ में मौजूद है, इस जगह से हुजूर पकड़ रहे होंगे अपने गुलामों ऐसे पकड़, चलो भाई चलो भाई चलो चलो चलो, तुसी ते लबैक कर लो, तुसी जाओ इधर जाओ, तुसी इधर जाओ, ते जाना कि मैं लबैक कर लिया ने। आला हज़रत फरमाते हैं पाए कूबा नंगा पैर, इनू कहते हैं पाए कूबा, और पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, पाए कूबा तेरी रब सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाए। अब हुजूर सामने और जाना भी छेती है, आला हज़रत फरमाते हैं हिंज करके जावांगे, उधर तेरी आवाज, हुजूर की आवाज आ रही है रब सल्लिम, या अल्लाह आने वाले की खैर करी, आने वाले की, आने वाले की खैर करी, आने वाले की खैर करी, एक एड़ी ते हिंज खलौना है तो हुजूर की आवाज आनी लबैक अले आ रहे हो, जी जी हुजूर आ रहे हैं, तुहाडे कोल आ रहे हैं, एक एड़ी ते सिर्फ एक एड़ी इंज करके हजूर को पहुंच जाना है। जड़ा कहंदा वड्डे भरा वर्गे नो इंज कर सकेगा, जड़ा कहंदा जनाब उनको तो दीवार के पीछे का इलम नहीं है, वो बंदर की औलाद इंज कर सकेगी, इंज ओ ही कर सकता है जड़ा हजूर दे नाल अन्ने वाह प्यार करता है।